अमेरिका के मैरीलैंड में बड़ा हादसा हुआ है। बाल्टीमोर में एक कंटेनर जहाज के पुल से टकराने से पूरा पुल पानी में समा गया। देखिए ये रिपोर्ट। बाल्टीमोर में पटाप्स्को नदी को पार करने के लिए सालों से इस्तेमाल हो रहा ये पुल उस वक्त धराशायी हो गया जब अनियंत्रित होकर एक मालवाहक कंटेनर नदी के बीचों बीच बने ब्रिज के एक पिलर से टकरा गया। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज के पिलर और कंटेनर जहाज की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। Ship hit the key bridge, sinking. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जोरदार धमाके के बाद पिलर और पुल का एक हिस्सा सीधे कंटेनर पर गिरा और पुल का बाकी बचा हिस्सा धीरे धीरे नदी में समा गया। हादसे में कंटेनर जहाज भी पूरी तरह तबाह हो गया। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज पर कई गाड़ियों का आवागमन जारी था। हादसे के बाद कई लोग वाहन समेत पानी में समा गए, किसी को बचने तक का मौका नहीं मिला। ठीक इसी तरह कंटेनर जहाज पर सवार सभी क्रू मेंबर भी हादसे के बाद से लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि टक्कर के बाद पुल के एक बड़े हिस्से के कंटेनर जहाज पर गिरने से वो पानी में समा गया। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक हताहतों की संख्या को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हो रहे हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ।